नमस्ते, तेरिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेड से गुलाब जामुन बनाएंगे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 10 पीस ब्रेड लिया है। इसका मैंने चारों तरफ से साइड वाला पार्ट निकाल दिया है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई ड्राई फ्रूट्स, 1 कप चीनी और 1/2 कप दूध लिया है। हम सबसे पहले चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हम बर्तन में चीनी डालेंगे और हम उसमें पानी डालेंगे। मैंने यहाँ 1 कटोरी चीनी लिया था और उसी कटोरी से मैंने इसमें 1 कटोरी पानी डाला है और इसे चीनी गलने तक पकाएंगे। चीनी रस में अच्छे से घुल गई है, लेकिन यह अभी बहुत ही पतला है। हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। रस तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हम गुलाब जामुन के गोले बनाएंगे। मिक्सिंग बाउल में हम ब्रेड को तोड़ कर डालेंगे। इसमें हम चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। इसमें मैंने अभी तक 8 चम्मच ही दूध डाला है और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे इसी तरह अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मिक्स करेंगे। देखिए, ये पूरा सॉफ्ट हो गया है और ये बाकी के दूध को हम हटा लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे। इसे बीच में हम थोड़ा सा होल बनाएंगे और ये हम ड्राई फ्रूट थोड़ा सा इसमें डाल देंगे और इसे इस तरह हम मोड़ के फिर से हम इसे गोल कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी के गोले बना लेंगे। घी को गर्म कर लेते हैं। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें हम ये गुलाब जामुन के गोले को डालेंगे। हल्के से हिला देंगे। यहाँ फ्लेम को लो से मीडियम ही रखना है और इसे हम गोल्डन कलर होने तक पकाएंगे। इसे हमें इसी तरह मीडियम से लो फ्लेम पर पकाना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। रस यहाँ ठंडा हो गया है, हम इसे गर्म कर लेंगे और इसमें हम ये गुलाब जामुन को डाल देंगे और इसे हम 1/2 घंटा के लिए छोड़ देंगे। ब्रेड का गुलाब जामुन तैयार है। धन्यवाद।